टाइम नहीं है टाइम। तब कहाँ और 100 करवा दो, इससे ज्यादा सरकार नालक निकम्मी कोई है ही नहीं। महंगा तो 200 हो जाएगा तो भी करवा लेंगे पापा। हाँ देश के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार भी तो हमारे लिए कुछ कर सकती है ना कर सकती है। 200 होगा तो भी चलेगी, गवर्नमेंट थोड़ी ना बढ़ा रही है दाम। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40 रुपए किलो तेल था, सब जा रहा है मोदी जी की दलाली में। ये अमित शाह जी, योगी जी सब दलाली खा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों पर लगातार इजाफा हो रहा है, उसी के बीच आज हम आए बुलंदशहर के एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे पेट्रोल महंगा हो रहा है उनके वो जेब पर बाहर पड़ रहा है कि या नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बात करके समझने की कोशिश करेंगे। बुलेट में डलवा रहे हैं भैया, क्या नाम है भाई? शादाब। ये बताइए पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत ही दिक्कत हो रही है, महंगा हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है भाई ये बताएं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? भाई सब दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रही है? सारी दिक्कत है, एक तो पब्लिक के पास रोजगार नहीं है, उस ऊपर से पेट्रोल सब कुछ इतना महंगा है, सारी दिक्कत ही है। पेट्रोल महंगा है, काम नहीं है, काम भी नहीं है और ऊपर से महंगा चल रहा है पेट्रोल। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, अब जैसे कि अभी फिलहाल जो रेट जो बढ़े हुए हैं, पहले कम देने पड़ते थे, खरीद जाती थी हाथ में, अब तो सीधा नोट जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, खरीद जाती थी है, दिक्कत है, पूरी दिक्कत है भाई साहब, पूरी दिक्कत है। यहाँ पर और भी हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए एक्टिवा में, क्या नाम है भाई? क्या नाम है? दीनदयाल। दीनदयाल भैया ये बताइए, अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ना भाई कोई दिक्कत ना आ रही, नहीं आ रही, ठीक है। इसे हैं जागरूक कहते हैं, इन्हें जागरूक। ये बताएं जैसे कि अभी जो थोड़े बहुत रेट बढ़े हैं, कोई समस्या तो नहीं है बिल्कुल भी किसी भी किस्म की? ना भाई मुझे कोई समस्या ना है, देश हित में इतना तो होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। अगर मान लीजिए 200 रुपये लीटर भी हो जाता हमें सहयोग, गवर्नमेंट थोड़ी ना बढ़ा रही है दाम। और कौन बढ़ा रहा है? ये तो IMF बढ़ा रहा है, IMF की वजह से। अरे वो लोन देगा कहाँ से ब्याज वसूलेगा वो, तभी बढ़ा दाम तो। अच्छा ये बताइए अगर 200 रुपये लीटर भी हो जाता है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं? मुझे कोई दिक्कत ना भाई, तब भी कोई ना, पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हैं जी, हैं देश के जागरूक व्यक्ति जिन्होंने बताया कि मुझे 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार शर्मा। नीतीश कुमार जी, हाँ जी। ये बताइए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत क्यों नहीं आएगी, परेशान है पब्लिक। अभी तो एक भाई कह रहे थे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी परेशान है, डीजल से भी पेट्रोल तो देश में थोड़ा सा महंगा डलवा लो, क्या दिक्कत है? अजी कहाँ तक को भाई, इतनी कमाई है नहीं। अच्छा ये बताइए जो सरसों का तेल है, घी है, उस पर भी रेट बढ़ रहे हैं, उस पर भी तो थोड़ा सा महंगा खा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अजी महंगा खाया जा रहा है ना, खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा, यानी ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अजय कुमार जी वहाँ से ऊपर कर लीजिए। कर लिया जी। ये बताइए पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है जी। क्या दिक्कत आ रही है भैया? मोदी जी की सरकार में सिर्फ महंगाई महंगा हुई है। एक मोदी जी कहते हैं ना कि बस सब कुछ फ्री मिलेगा, इतने रुपए चीनी मिलेगी, चीनी पहले 4 रुपए पाव आती थी, अब 40 रुपए किलो है चीनी। तो देश हित में थोड़ा सा महंगा खा लो, कहाँ से खाले काम धंधे। अभी एक भाई थे उन्होंने कहा कि 200 रुपए भी हो जाएगा, हम तो कोई फर्क नहीं। काम धंधे मोदी जी ने बंद कर दिए, खाएं कहाँ से, कमाएं कहाँ से। मोदी जी लेटे आराम से 100 AC में सो रहे हैं, यहाँ पेट्रोल कर दिया 100, तेल कर दिया 180 रुपये खाने के लिए। जभी तो हम, जब हम जो है मजबूत होंगे तभी तो हम पाकिस्तान को जवाब दे पाएंगे। पाकिस्तान को क्या जवाब देगा? पाकिस्तान अपने लिए ठीक है, पाकिस्तान में नॉर्मल रेट है। और उनका तो कहना है कि सरकार थोड़ी ना बढ़ा रही है रेट। कौन बढ़ा रहा है? 700 रुपये कह रहे सरकार नहीं बढ़ा रही, सरकार रेट बढ़ा रही है। कह रही है अगर बढ़ भी रहे 200 रुपये भी हो जाएगा। किसान आज भी मर रहा है, कल भी मर रहा है और मरता रहेगा। अच्छा किसान पे भार पड़ रहा है इसका बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताइए तेल सरसों का थोड़ा महंगा हो रहा है, थोड़ा महंगा खा लीजिए। कितना महंगा खाएं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40 रुपये किलो तेल था, और आज कितना है? 180, बहुत फर्क है, सब जा रहा है मोदी जी की दलाली में। ये अमित शाह जी, योगी जी सब दलाली खा रहे हैं। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ ना कोई ज़्यादा, बस मैं किसान पार्टी से हूँ। भाई ये बताइए पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत तो आ रही है जी। क्या दिक्कत आ रही है? ये महंगाई चल रही है या थोड़ा सा देश हित में महंगा डलवा लो, क्या दिक्कत है उसमें? भाई तो इसे तो बाइक निकला है, साइकिल ले ले मैं। हाँ तो साइकिल पे चलो, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। हाँ तो वही है फिर। नहीं सेहत भी अच्छी हो जाएगी ना साइकिल पे चलेंगे तो। तो साइकिल ले ले मैं, बाइक निकला है, पेट्रोल भी बंद करवा दो, बाइक बेच कर। अच्छा अच्छा क्या नाम है? क्या नाम है जी? तेजपाल सिंह। तेजपाल जी ये बताइए पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है, कम वाहन चला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए और महंगा हो जाए तो वाहन बेच के साइकिल लेंगे? फिर बेच देंगे, साइकिल चला लेंगे। हाँ स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा उसमें, और हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, और हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। सोहन शर्मा, पेट्रोल डलवाने आए हैं? करीब आ जाए ना जी, मैं तो दोस्त से मिलने आया हूँ अपने से। दोस्त से मिलने आए हैं? अच्छा अच्छा
एक बात बताइए, घर का जो राशन महंगा हो रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत सब रही आ रही है, चौन आ रही दिक्कत। क्या दिक्कत आ रही है? चौं अगर नो जाओ, जब सैलरी ना बढ़ेगी तो क्या खाएंगे? नो जाओ पहले देश हित में थोड़ा सा महंगा खा लो यार, देश के लिए काय खा लेंगे महंगा? नो बताओ यार, तो पब्लिक मरी जाएगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है? हमें तो दिक्कत आ जाएगी ना। अच्छा आपको दिक्कत? और क्या, चलानी बंद कर देंगे और क्या करेंगे? अच्छा ऐसा जी, ऐसा क्यों मेरे मोदी देश के जागरूक, इन्हें कहते हैं देश के जागरूक व्यक्ति। इन्होंने कहा है कि पेट्रोल चाहे कितना ही महंगा हो जाए लेकिन मोदी जी की ही सरकार आनी है, इसकी खास वजह तो बताओ। खास वजह हमारे सीमान की सुरक्षा, चाहे मतलब ये है कि गाड़ी वाड़ी सब बेच देंगे लेकिन मोदी सरकार आनी चाहिए। और एक बात बताइए, हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? दिक्कत क्यों नहीं आ रही? दिक्कत क्यों नहीं आ रही? गेहूँ का भाव 1600 रुपये किलो ले रहे हैं, 1600 रुपये कुंटल चल रहा है, ठीक है जी। और मंडी में इसे ले रहे हैं, अगर आप लोगे तो आपको दे रहे हैं 1900 रुपये कुंटल, 200 रुपये वो मार रहे हैं, ठीक है जी। पेट्रोल हो रहा 100 रुपये किलो लीटर। ये मोदी जो बैठा है, मोदी जो कह रहा देश बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, खुशहाली कहाँ आ रही है, जनता मर रही है, उसका क्या होना है? योगी ने पांच, उसने क्या करा, कुछ करा? देश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, करा देश के लिए उसने कुछ नहीं किया। और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो तो यूं कह रहे हैं 200 रुपये लीटर हो जाए, अभी कह के गए वो क्या कुछ भी हो जाए मोदी सरकार आनी। उनके पास पैसा बहुत है, ये जो लोग खड़े सब गरीब हैं। आप देश हित में इतना नहीं कर सकते? पेट्रोल थोड़ा सा महंगा डलवा लें। हाँ डाल दो मेरे में। नहीं थोड़ा महंगा डलवाने, अगर तेल जो है अगर 180 रुपये लीटर सरसों का हो रहा है तो क्या दिक्कत है देश हित में होने का? गांव बीरखेड़ा है, 95% गवर्नमेंट सर्विस है, IAS कर्नल टीचर ब्रिगेडियर ये रहा 2 किलोमीटर पे। मेरे गांव के भी यहां पे काम करते हैं, तेल की चोरी होती है। मोदी योगी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सरकार को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा यानी आपके ऊपर पूरा पूरा भार पड़ रहा है? पूरा भार क्या पड़ रहा है, अभी गेहूँ बोए, गेहूँ में उन लोगों का क्या करा जाए जो कह रहे हैं कि भाई कितना ही महंगा होना होने तो देश हित में हम तो किडनी बेच के अपना काम कर रहे हैं। उनके पास पैसा है सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें? अगर योगी अच्छे दिन का इंतजार करो कि अच्छे दिन, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने वादा कर दिया अच्छे दिन आएंगे। मोदी ने कई बार वादा करा कि 15-15 लाख रुपये तुम्हारे खाते में जाएंगे और हमें तुम जिताओ। वो हवाई जहाजों में घूम रहा है, किसके पैसों से घूम रहा? 2 लाख रुपए का पेन लगा के जेब में घूम रहा, साइन कर रहा, किसके पैसों से कर रहा? जनता के पैसों से। तो देश हित में ही तो कर रहे हैं सारे काम, आप भी एक देश हित में कर दीजिए। क्या करें बताओ, जान देने में? पेट्रोल अगर महंगा हो रहा तो होने दीजिए। कितना होगा? दाल अगर महंगी हो रही है तो होने दीजिए सर। चलो हम तो खा लेंगे, तो गरीब आदमी वो क्या खाएंगे? आप मुझे बताओ, कभी गरीब आदमी के बारे में आपने सोचा है? बात करेंगे जिन लोगों से चलकर हम ये यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? चलो क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। एक बात बताएं, पेट्रोल थोड़ा महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत का और 100 करवा दो क्या भैया? 100 का 150 करवा दो, जब भी दिक्कत ना आएगी गाड़ी वाले की तो गाड़ी चलेंगी। और ज्यादा महंगा हो जाएगा गाड़ी बेच देंगे, साइकिल ले लेंगे, साइकिल का रिक्शा ले लेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, देखो मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है जी, जब से योगी आया है, मोदी आया है, गाय को अत्याचार, गाय रोज मर रही है, भूखी मर रही है, इनका कोई कुछ नहीं हो रहा है, उनका कुछ, कोई भूखी मर रही है, कोई प्यासी मर रही है, उसका क्या है? वो तो वहाँ कुर्सी में बैठ के अपने एसी में मजे ले रहा है। कभी उन गरीबों को आगे देखा उसने? कभी ये जो गाय घूमी सड़क पे एक्सीडेंट से मर रही है, सड़ रही है, उनको देखा है उसने? नहीं देखा। मैं भी पहले SR के पावरटेक न्यूज में जॉब करता था, Sirius 7 न्यूज में मैंने भी रिपोर्टिंग की है, मैं इस बात पर दोबारा आया हूँ आपके पास। मुझे आप ये बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देश के आप अच्छे जागरूक इंसान हैं, देश हित में क्या कर रहे हैं ये बताइए। देश हित के अंदर मैं सबसे काम करता हूँ, सबसे पुण्य का काम करता हूँ, गायों को उन्हें खाना खिलाता हूँ, चारा खिलाता हूँ। अब भी मेरे घर पर जाकर देखिए, देश हित में जो काम सिर्फ वो कर रहा है, 3 ड्राम पानी भर के रखता हूँ नल से खींच के। देश हित में केवल वो व्यक्ति काम कर रहा है जो अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उसके ऊपर कोई भार नहीं पड़ रहा। पेट्रोल की तो सर कोई बात ही नहीं हो रही है, ये न्यूज मेरी योगी और मोदी को पहुंचाऊं। सरकार, ये सरकार बिल्कुल नालायक निकम्मी, इससे ज्यादा सरकार नालायक निकम्मी कोई है ही नहीं। तो कुछ लोगों की तो पसंदीदा अभी क्या कर रहे हैं, पसंद उनको है जिनके पास काला धन है,
जैसे कि अंबानी है। काला धन तो खत्म हो गया ना? नहीं खत्म नहीं हुआ। क्यों? नोटबंदी किस लिए हुई थी? कांग्रेस पे, कांग्रेस के नोटबंदी का जो उद्देश्य था काला धनी तो था। कांग्रेस के ऊपर सीबीआई जांच बैठी, अमित शाह के पास सीबीआई जांच बैठाओ, क्यों नहीं बैठाई? कभी भी किसी बीजेपी के नेता के सामने सीबीआई जांच बैठी, क्यों नहीं बैठी? तो सबके सब एक नंबर से चल रहे हैं, जीएसटी अदा कर रहे हैं, जीएसटी का पूरा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं पूरा, काला धन खत्म हो चुका है। ये देखो, ये हमारे गांव के, ये हमारे योगेश भैया हमारे गांव के भाई, हमारे साथ बात करो। क्या नाम है भाई? राजकुमार। ये बताइए, पेट्रोल थोड़ा महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? देश हित में थोड़ा सा पेट्रोल महंगा नहीं डला सकते? इंडिया में हो रहा है और कहीं नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, देश हित में थोड़ा सा सरसों का तेल महंगा नहीं खा सकते क्या? क्या नाम है आपका भाई? ब्रजेश कुमार। ये बताएं, पेट्रोल थोड़ा महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत पूरी दिक्कत है, इससे ज्यादा और क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, देश हित में थोड़ा महंगा नहीं डलवा सकते? नहीं महंगा तो अगर हम थोड़ा महंगा डलवाएंगे तभी तो पाकिस्तान को जवाब दे पाएंगे। क्या कह रहे हो? थोड़ा महंगा नहीं डलवा सकते देश हित में? नहीं महंगा तो 200 हो जाएगा तो भी कितवा लेंगे, बट ये ठीक नहीं है। मतलब 15 या 20 रुपये लीटर का जो था, अब जमाने तो मीटर चढ़ता ही हो जा रहा है बराबर, इसके मतलब मीटर रुकने के हिसाब होना चाहिए, कायदा तो यही है। अरे किस लोगों का क्या नाम है भाई? इस संबंध में पेट्रोल के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं, दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? दिक्कत है, काम धाम है नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? काम है नहीं लोगों का, काम नहीं है। सरफराज नाम है। देश के लिए थोड़ा सा इतना तो कर सकते हो, महंगा पेट्रोल डलवा लो, मास्क पहन लो। हाँ देश के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार भी तो हमारे लिए कुछ कर सकती है ना? कर सकती है। क्या करवाना चाह रहे थे? हैं सरकार बेरोजगारों को भत्ता देवे, पैसा देवे, पेंशन देवे, और ये युवा घूम रहे हैं इनको नौकरी देवे। सलसल सब दे रहे हैं वो तो? कहाँ दे रहे हैं? देश का काला धन खत्म कर दिया। हाँ तो काला करप्शन खत्म हो गया, तो ये करप्शन खत्म हो गया तो ये सौ भी तो हो रहा डीजल है, पेट्रोल डीजल, किसान कहाँ जावे? 1600 गेहूँ का रेट, 1600 रुपये डीजल का रेट, 80 रुपये देश हित में थोड़ा सा महंगा डलवाने। बेसिक क्या है हमारी तो पाकिस्तान को जवाब देंगे। मान लो हमारा जो है इतने का अनाज नहीं होता जितने का हमें डीजल फूंक देते हैं, क्या फ़ायदा हमारा? किसानी आर्थिक काय से चलती है? किसान से चलती है नहीं, और किसान को ही मार देते हैं, कहाँ से कमाएगा किसान, क्या करेगा? खेती खाली पड़ी है सब, ज्वार बिक रही है 400 रुपये बीघा, किधर से लाएंगे हम लोग, किधर से डीजल डलवाएँ, किधर से क्या करें? खाली छोड़ देते हैं हम लोग खेती, अगर खेती खाली रह जाएगी तो देश कहाँ जाएगा? जी यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, आप मेरे साथ आ जाएं और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम नितिन कुमार शर्मा है। मास्क आ गया आपका? हाँ जी मास्क लगा लेते हैं। बहरहाल ये बताइए, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पूरी दिक्कत आ रही है जी, और क्या दिक्कत आएगी इससे ज़्यादा? क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, किसान का दूध बिच रहा है 30 रुपये लीटर, पेट्रोल बिच रहा है 95 रुपये लीटर। देश हित में थोड़ा महंगा डलवा लो, क्या हो गया है जी? देश हित में थोड़ा सा महंगा डलवा लो देश के लिए। नहीं अब ये मोदी जी को देखना चाहिए ना कि किसान क्या करें, आम जनता क्या कर रही है, सैलरी दे रहे हैं प्राइवेट में, मतलब वही 9-10 हज़ार रुपये की सैलरी दे रहे हैं, पेट्रोल का दूना रेट ले रहे हैं, दूध 30 रुपये लीटर बिच रहा है किसान का। अगर थोड़ा सा सरसों का तेल अगर महंगा हो रहा है तो महंगा अगर देश हित में खा लेंगे तो क्या परेशानी आ जाएगी? अरे ये बताओ महंगा कैसे खा लेंगे जी? किसान तो सोच रहे हैं कि मतलब किसान की फसल महंगी हो, किसान की कोई चीज़ महंगी हो तो ठीक है, धान का भाव 1700-1500 बिच रहा है, धान का भाव भी बढ़ाना चाहिए मोदी जी को। और हमारे साथ कार में लोग मौजूद हैं, कार वाले से बात करेंगे, चलेंगे, सहयोगी संगूंगा मेरे साथ आएँ। और यहाँ जो ये कार में मौजूद हैं इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे। क्या नाम है सर? एस के शर्मा। सर ये बताएं, डीजल पे पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, महंगाई इतनी आ रही है, महंगाई है अभी। हाँ थोड़ा बहुत अगर महंगा हो भी रहा तो देश हित में करा ही लेंगे। 200 होगा तो भी चलेगी, 200 होगा तो भी चलेगी। देखिए ये हैं देश के जागरूक नागरिक, जिन्होंने कहा 200 भी होगा तब भी चलेगी, और ऐसे ही लोगों की वजह से सरकारें बनती हैं। और भी लोग अगर हमें मिलते हैं तो वहाँ चलते हैं, एक गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ चल के बात करेंगे। यहाँ ये डीजल डलवा रहे हैं, क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। अच्छा ये बताएं सर, थोड़ा डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। अगर थोड़ा और महंगा हो जाए तो देश हित में कराते ही कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल
बिल्कुल फिट है, इनका भी कहना है कि बिल्कुल फिट है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने दी, हमारे ऊपर कोई फर्क भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे ऊपर जो पर भार पड़ रहा है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर देश के अंदर 200 रुपये भी बिक जाए तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन शुएब और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं यहाया खान, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।